एकता कपूर ने कई सारे टीवी सीरियल्स बनाए हैं, कई कलाकारों को टीवी इंडस्ट्री का स्टार बनाया है, लेकिन फैंस के बीच नागिन का अपना अलग ही क्रेज है। इस शो के 6 सीजन आ चुके हैं, तमाम सीजन में अलग अलग टीवी हसीनाएं नागिन लुक में कहर ढाती दिखी हैं। वहीं अब हर किसी को नागिन 7 का बेसब्री से इंतजार है। बीते 2 साल से भी ज्यादा से नागिन 7 पर कई तरह के अपडेट्स आए हैं। दावा किया गया है कि मेकर्स ने कई टीवी स्टार्स को सीजन 7 के लिए अप्रोच भी किया है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ने फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है। नागिन 7 के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा। आइए बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। नागिन 7 पर इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि नागिन 7 के लिए प्रोडक्शन हाउस अधिकारियों और चैनल के लोगों के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद ये साफ नहीं हो पाया है कि शो कब आएगा। इसी वजह से एकता कपूर और उनकी टीम ने नागिन 7 के लिए अभी चल रही तैयारियों को रोक दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शो इस साल तो शुरू नहीं होगा। इस रिपोर्ट की माने तो एकता कपूर ने नागिन 7 साल 2025 के शेड्यूल में डाल दिया है। अब ये शो अगले साल टीवी पर आ सकता है। हालांकि इस मीडिया रिपोर्ट पर अब तक एकता कपूर या फिर किसी दूसरे अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश नागिन लुक में नजर आई थी। एकता कपूर का ये सीजन काफी हिट रहा, शो को शानदार टीआरपी मिली थी। टीवी सीरियल नागिन 7 से अब तक कई हसीनाओं के नाम जुड़ चुके हैं। दावा है कि मेकर्स ने इस शो के लिए प्रियंका चाहर चौधरी, सुम्बुल तौकीर खान, अंकिता लोखंडे, आयशा सिंह, प्रतीक्षा होनमुखे समेत कई हसीनाओं को अप्रोच किया है। इतना ही नई लिस्ट में अभिषेक कुमार और शहजादा धामी का भी नाम शामिल है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।